दोस्तों दिल्ली की जीत से मुंबई इंडियंस को हुआ फायदा, प्लेऑफ का रास्ता खुला, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस टीम के फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में आईपीएल 2022 जोरों शोरों से खेला जा रहा है और ऐसे में सभी टीमें अपना बढ़िया प्रदर्शन पेश कर रही हैं। तो ऐसे में वहीं कल दोस्तों एक रोमांचक मुकाबला खेला गया था। यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था। इस मुकाबले में केकेआर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 146 रन बनाए, तो फिर वहीं दिल्ली की टीम ने 19 ओवर में यह स्कोर बड़ी आसानी से चेस कर लिया और ऐसे में दिल्ली की टीम यह मैच जीत गई। वहीं दोस्तों दिल्ली के जीते मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ का रास्ता खुल चुका है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ऐप के बारे में बता देता हूं जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ऐप का नाम है गेमजी। इस ऐप पर आप फैंटेसी क्रिकेट के साथ साथ रमी, पोकर और इजी गेम जैसे कि लूडो, कैरम खेलकर भी पैसे कमा सकते हैं और आप 5 मिनट में पेटीएम या बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस ऐप पर आप वेटिंग टाइम 0 है, आपको तुरंत अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है, साथ ही आपके पास है 5 करोड़ रुपए जीतने का मौका। जी हां दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए और कमाइए। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस अपने अब तक आईपीएल 2022 में कुल 8 मुकाबले खेले और उसे 8वें मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में पॉइंट्स टेबल में भी मुंबई इंडियंस 10वें स्थान पर है। और ऐसे में वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के पास अभी भी अपने कुल 6 मुकाबले खेलने को बचे हुए हैं और ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस की टीम अपने 6 मुकाबले लगातार जीती है तो वह भी बड़े अंतर से, तो मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस में पहुंच सकती है। और ऐसे में वहीं दोस्तों दिल्ली के जीते ही मुंबई इंडियंस को क्या फायदा हुआ है आइए जानते हैं। दोस्तों दिल्ली का मुकाबला केकेआर के साथ हुआ था, तो ऐसे में वहीं केकेआर की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है और ऐसे में दोस्तों अगर मुंबई इंडियंस की टीम अपने 6 मुकाबले लगातार जीत लेती है तो वह केकेआर को भी पीछे छोड़ सकती है। जी हां दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों वहीं केकेआर ने अभी अपने 9 मुकाबले खेले जिसमें से उसने 3 मुकाबले जीते हैं अभी तक और ऐसे मुंबई इंडियंस के पास केकेआर को पीछे करने का एक सुनहरा मौका है और ऐसे मुंबई इंडियंस को अपना अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल के साथ खेला जाने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह मुकाबला कौन जीतेगा, मुंबई या फिर राजस्थान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत